स्टूडेंट्स, मैं आपका अतुल सर और आप वॉचिंग कर रहे हैं डुप्लेक्स करियर पॉइंट। तो आज हम देखेंगे स्टोरी और यह स्टोरी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अच्छा, इस स्टोरी में क्या है, हमने देखा है कि अनसॉल्व वो मास्टरमाइंड होता है, उसमें भी कुछ सेंटेंस गलत बनाए गए हैं, ठीक है। तो उसको भी हमें देखना है कहाँ पर कैसा क्या है, और आप अंत तक देखें। अगर आपको स्टोरी सीखना है, सीखना क्या, वो तो परीक्षा में आना ही है, तो भाई एंड तक जरूर देखें। तो देखिएगा, प्रयत्न करना है तो फिर प्रार्थना क्यों, प्रयत्न करना है इसलिए तो प्रार्थना चाहिए, ऐसे वाक्य अधिकांशतः हम देखते हैं और हमारा दिमाग थोड़ी कन्फ्यूजन में हो जाता है कि हम इनको कैसे बनाएं, क्योंकि इनमें सब्जेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। जैसे प्रयत्न करना है तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो देखिएगा इसमें करना क्या है बेटा, इसमें सब्जेक्ट हम मान लेंगे हमें, हमें प्रयत्न करना है, या यदि हमें प्रयत्न करना है तो फिर प्रार्थना क्यों, यदि हमें प्रयत्न करना है तो यदि मान लेंगे ये हमें बी आर टू प्रयत्न करना यानी अटेम्प्ट भी कर सकते हैं या ट्राई, इफ बी आर टू ट्राई, यदि हमें प्रयत्न करना है तो फिर प्रार्थना क्यों, ठीक है। वाई एच प्रे या प्रेयर, वाई एच प्रेयर, प्रार्थना क्यों, प्रयत्न करना है इफ वी आर टू ट्राई, देखिएगा प्रयत्न करना है इफ वी आर टू ट्राई, यहां पर भी इफ वी आर टू ट्राई, प्रयत्न करना है इसीलिए तो प्रार्थना चाहिए, इसीलिए, इसीलिए कि अंग्रेजी आप सो बना सकते हो, देयर फॉर बना सकते हो, या दिस इज वाई, इसीलिए तो दिस इज वाई, इसीलिए तो प्रार्थना चाहिए। वी नीड प्रेयर, वी नीड प्रेयर, आगे मैं प्रयत्न करने वाला हूं, आई एम टू, आई एम टू क्या, यहां पर टू नहीं लगता है, गो के आगे, तो आई एम गोइंग टू ट्राई, आई एम गोइंग टू ट्राई, अबाउट टू का प्रयोग करेंगे तो बेटा यहां पर क्या है, गो के आगे टू नहीं लगाया जाता, जैसे जैसे ही बना दो आप आई एम अबाउट टू गो टू ट्राई, तो देखो गो के आगे टू नहीं लगता है, ठीक है, इंटरेस्टेड वर्ब होने, इंटरेस्टेड वर्ब होने के नाते, तो आई एम गोइंग टू ट्राई, मैं कोशिश करने वाला हूं या मैं प्रयत्न करने जा रहा हूं या वाला हूं, एक ही चीज होता है, पर फल मेरी मुट्ठी में नहीं है, पर बट फल यानी कि रिजल्ट, रिजल्ट इज नॉट, नहीं है मेरी मुट्ठी में, इन माई फिस्ट या हैंड भी लिख सकते हैं, इन माई हैंड, इज नॉट इन माई हैंड, बट रिजल्ट इज नॉट इन माई हैंड, लेकिन फल मेरी मुट्ठी में नहीं है, फल तो ईश्वर की इच्छा पर अवलंबित है, यानी कि फल तो ईश्वर के हाथ में है, तो आप लिख सकते हैं रिजल्ट, रिजल्ट इज इन द हैंड ऑफ गॉड, रिजल्ट इज इन द हैंड ऑफ गॉड, फल तो ईश्वर की इच्छा पर है। मैं प्रयत्न करके भी कितना करूंगा, मैं प्रयत्न करके भी कितना करूंगा, हाउ मच, हाउ मच शैल आई डू टू ट्राई, प्रयत्न करके भी, टू हाउ मच शैल आई डू टू ट्राई, टू मैं प्रयत्न करके भी कितना करूंगा, मेरी शक्ति कितनी अल्प है, अल्प का मतलब होता है बेटा थोड़ी सी, कितनी छोटी सी है मेरी शक्ति, कितनी अल्प है, हाउ शॉर्ट
हाउ स्मॉल भी लगा सकते हैं, हाउ शॉर्ट इज माई पावर, हाउ शॉर्ट इज माई पावर, मेरी शक्ति कितनी शॉर्ट है, ईश्वर की सहायता के बिना मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, ईश्वर की सहायता के बिना, तो विथाउट सहायता यानी कि सपोर्ट या ग्रेस, ग्रेस भी लगा सकते हैं, कृपा सपोर्ट भी लगा सकते हैं, विथाउट ग्रेस ऑफ गॉड मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू अलोन मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मैं सत्य की ओर अपना कदम बढ़ा रहा हूँ, आई एम बढ़ाना इनक्रीजिंग या गोइंग अहेड, गोइंग भी लगा सकते हैं, आई एम इनक्रीजिंग मैं बढ़ा रहा हूँ अपना कदम, माई स्टेप, माई स्टेप सत्य की ओर के लिए, टू वर्ड द ट्रुथ, तो भी ईश्वर की कृपा के बिना, तो भी इवन देन तब भी, इवन देन या तो भी ईश्वर की कृपा के बिना, विथाउट ग्रेस ऑफ गॉड मैं मंजिल पर नहीं पहुंच सकता, आई कैन पहुंचना रीच, आई कैन नॉट रोट कहा गया नहीं, नॉट आई कैन नॉट रीच मैं नहीं पहुंच सकता मंजिल पर, एट द मंजिल यानी क्या होता है डिटर्मिनेशन, आई कैन नॉट रीच एट द टारगेट डिटर्मिनेशन या गोल लक्ष्य, मैं रास्ता काटने का प्रश्न तो करूंगा, यहां पर देखिए काट रास्ता काटना के लिए लिखा है, अनसोल्ड वगैरह मैंने देखा है वहां पर कट का यूज किया है, तो बताइए रास्ता काटना कट कब लगाते हैं, जब कोई औजार से काटना पड़ता है, तो रास्ता आप ऐसे काटोगे क्या, जैसे मुझे उम्र काटनी है, मुझे तो अपनी पूरी उम्र काटनी है, तो काटने के लिए गुजारनी, तो मैं रास्ता काटने का प्रश्न तो करूंगा, सफर काटना यानी कि पास, तो आई सेल ट्राई मैं प्रश्न करूंगा, मैं प्रश्न तो करता हूँ तो आई ट्राई मैं प्रश्न करता हूँ रास्ता काटने का, टू पास द वे, आई ट्राई टू पास द वे पर अंत में, बट एट द लास्ट अंत में मैं रास्ता काटूंगा, आई सेल पास द वे, आई सेल पास द वे कि बीच में मेरे पैर कट जाने वाले हैं, कि बीच में कि इन द मीन टाइम, बीच में इन द मिडिल भी लगा सकते हैं, मेरे पैर कट जाने वाले हैं यानी कि मैं रुक जाने वाला हूँ, पैर कट जाने वाले मतलब ये पैर क्यों कटेंगे बताइए, पैर कटना मुहावरे का यूज, पैर कट जाने, नाक कट जाने, तुमने नाक कटवा दी तो मतलब नाक थोड़ी कट जाएगी, मतलब वहां पर जितनी इंसल्ट करवा रहे, पैर कट जाना मतलब रुक जाना, कि मेरे पैर कट जाने वाले हैं कि मैं रुक जाऊंगा, दैट आई सेल स्टॉप ऐसी बनेगा, यह कौन कह सकता है, हू कैन सी, हू कैन सी दिस, इसलिए अपने ही बलबूते, इसलिए अपने ही बलबूते, सो इसलिए अपने ही बलबूते मैं मंजिल पर पहुंच जाऊंगा, अपने ही बलबूते मतलब अपने ही बल पर, तो आई सेल गो ऑन द, कहां पहुंच जाऊंगा मंजिल पर, ऑन द गोल,
अपने ही बलबूते पर एट माई पावर। विथ लिखना है, सॉरी, विथ माई पावर, अपने ही बलबूते मतलब अपने ही बल से। यह घमंड फिजूल है, दिस प्राइड, यह घमंड एक फिजूल मतलब बेकार, यानी कि फाल्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। दिस प्राइड इज फाल्स या बेकार, ठीक है, बैन बैन भी लगा दो, दिस प्राइड इज बैन, ठीक है। समझ में आया होगा, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें, ठीक है, और आगे बनाएं, बढ़िया अच्छे से पढ़ें, परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ गई हैं बेटा, अच्छे से पढ़िए।